चलिए आज बनाते हैं चावल की रोटी, जो बहुत ही आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया है चावल का आटा, जो है 1 बोल। इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, हल्का सा नमक। और ये आटे को गर्म पानी से गूंदना है, थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एक साथ में नहीं डालना है पानी। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी आटा अगर गूंदना है तो उसके लिए थोड़ा सा चौड़ा बर्तन चाहिए, तो आटा हम बराबर गूंद सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी एट अ टाइम लेना है, एक साथ में नहीं डालना है पानी। और उसको हाथों से, नकल से ऐसे, अपना जो नकल है उससे ऐसे मसलना है। जितना आटे को मसलेंगे रोटी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी अपनी। ये आटा रेडी हो चुका है, दिखाती हूँ। अभी भी हम इसको, इसका पूरा एक रोटी बनाएंगे। देखो आटा गूंद के तैयार हो चुका है, अभी ये साइड पे रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा स्प्रिंकल करना है। पूरा गोला बनाना है ऐसे, एक भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। आटे को पूरा रोटी स्टार्ट करते हैं, तब तक हम, मैं गैस चालू करती हूँ। तो अभी करना क्या है, ये आटा थोड़ा पाम में लेना है और थोड़ा यहाँ पे साइड पे रखना है। पूरा ऐसे करना है, पूरी साइड से, बीच में और साइड से भी घुमाना है। ओके, तो ये देखिए अभी ये तैयार है। हमें ये ऊपर का है वो नीचे जाएगा, तो हमें ये उसको ऐसे पूरा टर्न करना है और ये रोटी को नीचे रखना है और इसके ऊपर पानी फैलाना है। गैस मीडियम कर दीजिए, स्लो था। ऊपर का पानी पूरा सूख जाना चाहिए,
अगर आप ये रोटी खाएंगे तो आप जो अपना जो वीट का रोटी है जो खाते हैं वो खाना भूल जाएंगे। ये रोटी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। चेक करते रहना है। देखो अभी ये पानी सूख गया है, अभी मैं उसको पूरा टर्न करती हूँ। नीचे से उसको बराबर सेकना है, फिर उसको हम फ्लेम में डालेंगे। गैस फास्ट कर दीजिए। चेक करते रहना है बीच बीच में ताकि रोटी अपनी जल नहीं जाए। उसको ऐसे ऐसे घुमाना है तो हर जगह उसको उसको सेक मिलना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं ये रोटी फ्लेम में डालती हूँ। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सा करना है तो रोटी अपनी फूलेगी। इसको घुमाना है। गैस बंद कीजिए, प्लेट सर्व कीजिए और अपनी ये चावल की रोटी तैयार है। घी डाल रही हूँ। ये रोटी गरम गरम ही खाई जाती है तो जब भी आप बनाएं तभी गरम गरम ही बना के खाना। तो देखिए अपनी चावल की रोटी रेडी, कितना आसान है बनाना।